गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए दंडकार जी। प्यारी प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है अकल का ताला बंद करने के बाद निरंकार मिलता है। प्यारी सत्संगत जी, ये परमात्मा जो है मन बुद्धि के बाहर है, मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। सहंसा बाबा अवतार सिंह महाराज जी संपूर्ण अवतारवाणी में ये बात समझाते हैं कि अकला सोचा पहुंच न सकता मेहरा दी बेहद दीते। ये अकल के बाहर है, हमारे सोच के बाहर है, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। जो चीज़ इनफाइनाइट होती है वो हमारे माइंड के बाहर होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जब ये अनंत है तो इसके बारे में हम कैसे सोच सकते हैं, और मन कहाँ तक पहुँचेगा? मन की भी एक लिमिट होती है। मन जहाँ तक देखता है ना, वहाँ तक ही पहुँचता है, उसके बाहर ये मन पहुँच नहीं सकता। और ये निरंकार अनंत है, इसकी सृष्टि अनंत है, ये बेअंत है। बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। तो ये इंसान के दिमाग के बाहर है। आज साइंटिस्ट की हम बात करें, साइंस चांद में, सूरज में, मंगल में या और ग्रहों में पहुंच गया, लेकिन ये निरंकार तो उससे भी बड़ा है, सबसे बड़ा निरंकार। निरंकार से बड़ा, इस अल्लाह से बड़ा, खुदा से बड़ा और कोई है ही नहीं। तो ये जो अनंत है, तो इसमें जो अनंत सूरज होंगे, अनंत ग्रह होंगे, ये खत्म होने वाला है ही नहीं, इसका आदि अंत है ही नहीं। तो फिर इसके बारे में क्या सोचना, क्यों हम अकल लगा रहे हैं? आज साइंस विज्ञान अपनी अकल के घोड़े दबा रहा है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट लगे हुए हैं, दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन क्या कोई आज तक जान पाया इस निरंकार के बारे में? कोई नहीं। ये तो सदगुरु कृपा से हमें इसका एहसास करा दिया गया। सदगुरु के अंदर पावर होती है, शक्ति होती है, कि सदगुरु जब कृपा करते हैं तब जाकर ये ब्रह्मानुभूति हो जाती है। तो हमें एक एहसास दिया गया, एक इशारा दिया गया कि ये निरंकार है, देख लो, एक तलियों का इशारा किया गया। तो हमें एक दरवाजा बताया गया, एक्चुअली ये एक दरवाजे की तरह है कि इसमें एंटर करो, जो इशारा है इस इशारे में प्रवेश कर जाओ, प्रवेश कर जाओ और इस बात की गहराई पर जाओ, लेकिन अकल से नहीं, दिल से। अकल के घोड़े दौड़ाने से परमात्मा नहीं मिलने वाला है, ये दिल से मिलता है, भाव से मिलता है, प्रेम से मिलता है। भगवान भाव का भूखा है। परमात्मा को पाने के लिए दिल चाहिए, फीलिंग चाहिए परमात्मा के प्रति, प्यार चाहिए परमात्मा के प्रति, प्रभु से प्रेम होना चाहिए। भाव बिना भक्ति नहीं उपजे, भक्ति बिना नहीं भाव, और भक्ति भाव एक रूप है, दोनों एक स्वभाव। कि भक्ति भावना प्रधान है, भक्ति जब भी होती है ना, ये भाव से होती है, भगवान भाव का भूखा है। जब सच्चे दिल से हम इसको याद करते हैं तो ये फिर आता है। और ये अकल का टॉपिक है ही नहीं, ये सद्गुरु जो है ना परमात्मा, ये माइंड का टॉपिक नहीं, हमारे अकल का टॉपिक नहीं है। अकला सोचा पहुंच न सक्कड़ मेहरा दी ब्याज दीते, कि अकल सोच सयानप चतुराई, ये परमात्मा तक जा ही नहीं सकते हैं। हम कितने भी इंटेलिजेंट हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये कोई मायने रखता नहीं ये बात। ये पढ़े लिखों को, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, अपनी पढ़ाई पर उसको ईगो होता है, घमंड होता है, वो परमात्मा को पाता ही नहीं है। आज हम देखें कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उसको हम परमात्मा की बात करें तो वो सुनता ही नहीं है। परमात्मा को तो लोग, ऐसे भी लोग जो मानते ही नहीं है, बोलते परमात्मा दुनिया में है ही नहीं, ऐसे भी लोग दुनिया में, नास्तिक भी बहुत सारे हैं। तो केवल कृपा, जब कृपा करता है तो अपनी कृपा से ही मिलता है, ये परमात्मा की कृपा से परमात्मा मिलता है। परमात्मा जिस पर मेहरबान होता है, कृपा करता है, उसको ही मिलता है। बिना परमात्मा की कृपा के परमात्मा कोई मिलता ही नहीं है। जिस पर प्रभु कृपा करते हैं उनको ही मिलते हैं, सच्चे दिल वालों को मिलते हैं, भोले भालों को मिलते हैं, सीधे साधों को मिलते हैं। चालाक चतुर को ना परमात्मा कहीं मिलता ही नहीं है। जिसके पास चालाकी होती है, चतुराई होती है, बोलते हैं मैं बहुत माइंडेड हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मुझे सब कुछ आता है, उसको परमात्मा मिलता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता। परमात्मा को पाना है तो अकल का ताला बंद करना पड़ेगा। जो हमारी अकल है ना, जो हम बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट, उसको बंद करना पड़ेगा। ये सोच समझ के बाहर है, तो दिमाग का टॉपिक ही नहीं। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। दिल से, सच्चे दिल से जब परमात्मा को पुकारेंगे ना, कोई भी चीज़ दिल से होती है। प्यार होता है दिल से होता है, दिमाग से प्यार नहीं होता।
जब भी कोई प्यार करता है, चाहे वो हम संसार की प्यार की बात करें, लैला मजनू हीर राजा की बात करें ना, एकदम दिल से प्यार किया, प्यार दिल से होता है, और जहाँ दिल है वहाँ खुदा है, दिल खुदा का घर है, दिल से, भावना से, फीलिंग से, इमोशन से परमात्मा मिलता है। जो परमात्मा के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, रोते हैं इसके लिए, इस प्रभु के लिए रोते हैं, तो ये उनका सहारा बन जाता है, ये बेसहारों का सहारा बनता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। जो केवल परमात्मा के आश्रय जीते हैं, परमात्मा के सहाय रहते हैं, परमात्मा उनको मिल जाता है। अगर हम चाहें कि अपनी अकल से, अनप से, बुद्धि से, चलाकी चतुराई से परमात्मा को पाएंगे, तो फिर ऐसा सोचना बेकार है, ये हमारी सोच के बाहर है। तो सोच को दौड़ाना है ही नहीं। अक्सर होता है कि हम ज्ञान लेने के बाद भी अपना दिमाग चला देते हैं, बस अपनी ही बात कर रहा है। हम बहुत सोचते हैं, अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, इंटेलिजेंट समझते हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हमने गीता पढ़ ली, वेद पढ़ ली, रामायण पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया, अरे हमको तो बहुत ज्ञान हो गया, हम तो बहुत अच्छा स्पीच कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, गीता पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जो उसमें लिखा है ना, उसको जीवन में हम अपना लें, जीवन जीना शुरू कर दें। सारे धर्म में ही एक ही बात है, परमात्मा की बातें हैं सब जगह। दास ने थोड़ा स्टडी भी किया, देखा उसको, फिर लोगों को भी देखा, तो कुछ ऐसे ग्रंथ से हमारी चंद्रंकारी मिशन में संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हृदय वाणी, जो इसको समझ जाता है ना, वो सबको लेके चलता है। दूसरी बात, श्रीमद् भगवद गीता, दास ने उसको स्टडी किया, उसमें भी एक चीज़ समझ में आई कि भगवान कृष्ण सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहे हैं, कि सबको साथ में लेकर चलो। संसार अवतार सिंह महाराज जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी, संपूर्ण अवतार वाणी, हरदेव वाणी में हमें समझा रहे, सबको साथ में लेकर चलो, मिलवर्तन भाईचारा, वही चीज़ भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मिलवर्तन भाईचारा, प्यार की बातें, अपनत्व की बातें, एकत्व की बातें उसमें समझाई जा रही हैं। बाकी भी दास ने देखा लोगों को, बाकी जो और भी धर्म ग्रंथ है उनको भी पढ़ा, तो उन धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले जो लोग ना, बहुत कट्टर हो गए कि बस इसको ही मानो, इसमें जो लिखा यही सही है, बाकी सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात अच्छी है, जो लिखा है ना उसमें अच्छा है, खुदा की बातें हैं, अल्लाह की बातें हैं, या निरंकार की बातें हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी निरंकार के बारे में लिखा हुआ है। हम कुरान शरीफ में पढ़ते निरंकार अल्लाह, अल्लाह मीन्स निरंकार, अल्लाह एक अरबी वर्ड है, पंजाबी में उसको हम निरंकार कहते हैं। एक भाई साहब आए, उन्होंने मिशन से ज्ञान भी लिया, बीच में फिर उन्होंने छोड़ भी दिया, ज़्यादा मतलब निरंकारी मिशन से उनका इंटरेस्ट हट गया। मैं बोला क्या हो भाई साहब, बोले कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, पहले निरंकार को मानते थे, अब अल्लाह को मानता हूँ। दास ने बोला कि भाई साहब ये अल्लाह निरंकार एक ही है, केवल लैंग्वेज का डिफरेंस है, चाहे वाटर बोलो, पानी बोल दो, जल बोल दो, तत्व तो वही है ना, पानी तो पानी है, आप लैंग्वेज में आप कुछ भी उसको बोल दो, कोई भाषा में बोल दो। इस तरह परमात्मा है, परमात्मा तो एक ही है ना, निरंकार, ये इसको आप निरंकार बोल दो, अल्लाह बोल दो, खुदा बोल दो, गॉड बोल दो, दुर्गा देवी बोल दो, शारदा माता बोल दो, काली माता बोल दो, गणेश जी बोल दो, कुछ भी बोल दो ना, इसके नाम बहुत सारे हैं, इसके रूप बहुत सारे हैं। भगवद गीता में भगवान सीधा क्लियर समझा रहे इस चीज को ना, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस थै भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार सर्वसः। हे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। जो जिस देवता को मानता है, उस देवता के रूप में उसको मिलता हूँ मैं, उसकी श्रद्धा को वहां स्थापित कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्य मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अगर देवता के रूप में मान रहे तो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनकी पूजा है वो एक लिमिटेड है, एक सीमित है, वो देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। जो मैं जिस रूप की पूजा करेगा उस रूप में उसको मिलता हूँ मैं, जाके रही भावना जैसी, पर मुहूर्त देखी तीन तैसी, सारे मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन मुझे प्रिय है ज्ञानी भक्त। चार भक्तों का जिक्र भी है, चौथा जो भक्त होता है ज्ञानी भक्त, आत अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो मुझे जानता है ना, वो मेरा रूप हो जाता है। पूरी भगवद गीता में स्टडी करें ना, पूरा बात क्लियर समझाया गया है।
दास ने पढ़ा है, सारे ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इस दुनिया में दास को सबसे पावरफुल जो एक सेंसिबल बातें उसमें लिखी गई हैं जो समझाई गई, वह भगवद गीता। श्रीमद भगवद गीता इस दुनिया का सबसे बेस्ट ग्रंथ है, पूरी चीज़ उसमें समझाई गई है, हर चीज़ उसमें किसी प्रॉपर धर्म के बारे में नहीं समझाया गया, उसमें जीवन जीने का पूरा तरीका है। एक अर्जुन को मोह जाल से बाहर निकाल कर अर्जुन के माध्यम से पूरे दुनिया को संदेश दिया गया भगवद गीता का। भगवान कृष्ण की जो वाणी है ना, लाजवाब लाजवाब, यूनिक। भगवद गीता के जैसा और कोई ग्रंथ धरती पर नहीं है। आज हमारे मिशन में संपूर्ण अवतार वाणी, हृदय वाणी जो बुक्स हैं, गीता का ही एक आसान रूप है। जो भगवद गीता में लिखा है वही चीज़ इजी रूप में संपूर्ण अवतार वाणी, हृदय वाणी में है। तो हमारी संपूर्ण अवतार वाणी, हृदय वाणी भी भगवद गीता ही है। गीता हार्ड है, गीता सबको समझ में आती नहीं है। संस्कृत के श्लोक हैं उसमें, ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो जो ब्रह्मज्ञानी होगा वो समझेगा, जिसके पास ब्रह्मज्ञान नहीं है भगवद गीता को समझेगा ही नहीं। तो हमारी जो दोनों बुक्स जो मिशन में है, संपूर्ण अवतार वाणी, हृदय वाणी, भगवद गीता का एक ईजी रूप है। तो पहली सत्संगत जी, हमने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना, माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है, दिल से सच्चे भाव से परमात्मा को याद करना है। भोले भाव मिले रघुराई। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, दंडंकार जी।